शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत ही रहम वाला है। किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसके दो बेटे थे। एक दिन इसके बड़े बेटे ने माँ से फरमाइश की, आज उबली हुई सेवैया खाने को दिल चाह रहा है। माँ ने जी ही अपने बड़े बेटे की फरमाइश सुनी, झट बर्तन में पानी डालकर इसे चूल्हे पर उबालने के लिए रख दिया। उसी घर में एक कुतिया रहती थी जिसके दो छोटे छोटे पिल्ले भी थे। कुतिया ने इनको उसी घर में जन्म दिया था, मगर औरत को इन पिल्लों से बहुत चिढ़ थी। हालांकि वह सहन के एक कोने में पड़े रहती थी और घर की किसी चीज़ को भी ख़राब नहीं करते थे। बहरहाल औरत ने गरम खोलते हुए पानी से सेवैया निकालकर उन पर चीनी डालकर अपने बच्चे को दे। जब औरत अपने बेटे को सेवैया दे रही थी, इत्तेफाक से वही कुतिया उसी वक्त वहाँ से गुजरी। उसका रुख अपने बच्चों की तरफ था। इसी दौरान औरत के जहन में शैतानी सोच उभरी। उसने गरम खोलते हुए पानी की डेगची कुतिया पर उंडेल दी। कुतिया सारी रात तकलीफ की वजह से दर्दनाक आवाज़ें निकालती रही। सुबह को औरत और घर के सब अफराद ने देखा कुतिया के जिस्म पर बड़े बड़े छाले थे और वह मर चुकी थी। दूसरे दिन इसके पिल्ले भी माँ के बगैर चीख चीख कर मर गए। मोहल्ले के कुछ बुजुर्ग खवातीन ने उस औरत को नसीहत की कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, बहरहाल अब तुम अल्लाह से तौबा कर लो। मगर औरत ने हकारत से कहा, इस हकीर कुतिया की खातिर अल्लाह मुझे क्यों अजाब देगा। कुछ दिन बाद बड़े बेटे को बुखार हुआ और वह दो दिन के अंदर मर गया। अभी उसका जख्म मंद मिल नहीं हुआ था कि उसका दूसरा बेटा भी दूसरे हफ्ते मर गया। दो बेटों की अर्मनाक मौत के बाद भी इस औरत को कुतिया का वाकिया याद ना आया और ना इसने तौबा की। कुछ दिन बाद इस औरत के पूरे जिस्म पर कुतिया की तरह छाले पड़ गए और फिर इनमें कीड़े भी पड़ गए। इसने अपनी तमाम जायदाद और जेवर बेचकर अपना इलाज कराया और डॉक्टर को दिखाया, मगर बेसुध अब यही औरत हर एक को जानवरों के साथ रहम की नसीहत करती है और अल्लाह से तौबा करती है और हर आने जाने वाले से कहती है कि वह जानवरों पर जुल्म ना करे, क्योंकि इससे अल्लाह नाराज़ होता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, वालों पर रहम करो, मैं तुम पर रहम करूँगा।